सो हेलो गाइस, दिस इज जतिन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे सारे के सारे, होप करता हूँ सभी बढ़िया ही होंगे और बढ़िया रहना। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू मेंटेन 7.5 सीजीपीए। भाई मैंने अपने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन डाला था कि भाई 7.5 सीजीपीए पर वीडियो बनाऊं या प्लेसमेंट के ऊपर, तो भाई बहुत ही खतरनाक वाला टाई हुआ है। आप लोग चाहते हो कि दोनों पे वीडियो बनाऊं, तो अभी ये वीडियो देख लो, वो वीडियो भी मैं बना दूंगा। तो अभी ये क्वेश्चन काफी आता है कि भाई 7.5 सीजीपीए कैसे मेंटेन करें, क्या करें ऐसा कि 7.5 सीजीपीए हमारी मेंटेन रहे, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो 7.5 सीजीपीए मेंटेन करनी कंपलसरी है। अगर आप एक भी सेमेस्टर में ये नहीं मेंटेन कर नहीं पाते तो आपकी स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाती है, आपको अगले सेमेस्टर के लिए भी नहीं मिलती। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 7.5 सीजीपीए मेंटेन करने के लिए आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम मार्क्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट कर देंगे हम एक्सटर्नल एंड सेकंड कर देंगे इंटरनल। तो देखो, एक्सटर्नल मार्क्स जो होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, वो तो जैसा आप परफॉर्मेंस करोगे वैसे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट जो इंटरनल मार्क्स होते हैं ना, वो भाई आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे 7.5 सीजीपीए मेंटेन करें। तो मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा आपको, और अगर आपने ये 5 पॉइंट फॉलो कर लेना तो भाई 7.5 सीजीपीए तो आपकी 8 सीजीपीए भी आसानी से बन जाएगी, बस आपको ये फॉलो करना है रेगुलर। तो जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है डू नॉट कॉपी एट ऑल। जो भी आपकी इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह होती है, जो भी कॉलेज की तरफ से इंटरनल असेसमेंट्स होती है, उसको भाई कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी। चाहे आप लेट दे दो थोड़ा सा, आप ये ना करो कि जल्दी जल्दी के चक्कर में कि भाई जो और बच्चों ने बनाई है वही मैं बना लूँ। क्योंकि अगर टीचर आपको मार्क्स देगा ना, वो ये देखेगा कि यूनिकनेस कितनी है आपके कंटेंट में। मान लो अगर आप किसी का कॉपी कर रहे हो कंटेंट, अगर मान लो 10 बच्चों का सेम कंटेंट है सबमिट कर रहे हो, तो यार आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, 60% ही मिलेंगे, इससे ऊपर तो आप एक्सपेक्ट करना भी ना। तो भाई अगर आपको 7.5 सीजीपीए चाहिए तो थोड़ी सी यूनिकनेस लानी पड़ेगी। चाहे आप थोड़ा लेट सबमिट कर दो, बट ये मिलता जुलता कंटेंट मत सबमिट करवाना असेसमेंट में, नहीं तो 7.5 सीजीपीए करनी मुश्किल हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये सेकंड पॉइंट कोई नहीं बताता भाई, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, वो 2 मार्क्स देती है आपको अटेंडेंस की। अगर आप 90% अटेंडेंस मेंटेन करके रखते हो तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं हर सब्जेक्ट में। तो भाई ये मेंटेन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस वैसी है तो ये मेंटेन करना तो भाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि भाई ये 2 मार्क्स फ्री के है, इसको मत छोड़ना। कहने को ये 2 मार्क्स है, बट जब आपकी सीजीपीए कैलकुलेटेड करी जाती है तो ये 2 मार्क्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो भाई ये चीज बिल्कुल भी मत करना कि भाई 75% अटेंडेंस कर लेते हैं, चल 2 मार्क्स ही तो है। यही 2 मार्क्स आपको काफी हेल्प करेगी 7.5 सीजीपीए मेंटेन करने में। अब थर्ड आ जाते हैं, जो कि है बीइंग गुड बुक्स ऑफ योर टीचर। अपने टीचर की हमेशा नजरों में बने रहो, उनको ऐसा फील होना चाहिए कि यार ये बच्चा काफी इंटरेक्टिव है, मतलब टीचर के साथ बना के रखो अपनी उनको। अब कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं भाई, टीचर्स को यही नहीं पता होता कि ये क्लासरूम में है या नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनना आप लोगों ने। आपको टीचर के साथ बिल्कुल इंटरेक्टिव रहना है, उनके साथ बना के रखनी है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप जैसे आपकी क्लासरूम वगैरह होगा, टीचर कोई काम भी बोलते हो तो भाई कर दिया करो, तो वो खुशी खुशी नंबर अच्छे दे देते हैं टीचर्स, इंटरनल आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। या फिर आप क्लास के सीआर बन जाओ तो भाई उसके जैसी तो मौज है नहीं। और भाई मेरे क्लास के सीआर माइंड मत करना, मैं वैसे ही नॉर्मल टॉक कर रहा हूँ। तो फोर्थ पॉइंट आ जाता है बी इंटरेक्टिव इन क्लासरूम। भाई अगर आप क्लासरूम में इंटरेक्टिव रहोगे, अगर हर टीचर के साथ अच्छे से बात करोगे, क्वेश्चन पुट करोगे ऑनलाइन क्लासरूम में, क्योंकि अभी भाई ऑफलाइन क्लासरूम तो है नहीं, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासरूम में क्वेश्चन पुट्स करोगे तो भाई टीचर को ये लगेगा कि हाँ ये सुन रहा है भाई, ये बच्चा एक्टिव है, ये बच्चा पढ़ने वाला। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में इतना इंटरेक्टिव नहीं था तो मेरी अच्छी सीजीपी नहीं, बट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में मैं काफ़ी इंटरेक्टिव हो गया था, तो काफ़ी फर्क देखने को मिला मेरी सीजीपी में। तो ये मेरा एक पर्सनल फंडा है, पर्सनल टिप है भाई, ये अप्लाई करके जरूर देखना। आप ये अपना लेके चलो कि भाई हर सेशन में ना आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछना ही है, चाहे वो आपको आता है या नहीं आता है, एक क्वेश्चन पूछ लो, उसमें कुछ नहीं जाता और टीचर भी खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप टीचर की गुड बुक्स में आ जाते हो। सो बी इंटरेक्टिव इन क्लासरूम्स। अब आ जाते हैं फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इंटरनल्स की तो बात होगी कि भाई इंटरनल्स में कैसे अच्छा स्कोर करना है, अब फिफ्थ जो पॉइंट है वो आ जाता है भाई एक्सटर्नल में गुड स्कोर करना है। अब आप कहोगे यार वो तो हमें भी पता है कि एक्सटर्नल में गुड स्कोर करेंगे तो हमारी सीजीपी अच्छी मेंटेन हो जाएगी, वो करना कैसे है? तो देखो, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो, मैंने लेंथी से लेंथी पेपर भी लिखे हैं, मैंने पॉइंट टू पॉइंट भी लिखे हैं। भाई जिस दिन मैंने लेंथी पेपर लिखे हैं, जो जो मैंने पेपर लेंथी लिखे हैं ना कि हाँ भाई शीट्स भरनी है, तो मतलब हाँ भाई शीट्स भर दूंगा, टीचर को ऐसे लगेगा कि भाई इसने फुल लिख रखा है, तो भाई वो टेक्निक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल काम नहीं करती। 1% भी आप ये मत सोचना कि मैं शीट्स भर के आ जाऊंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शीट्स भर के भी देखे और मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख के भी देखा है,
अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखते हो तो फर्स्टली आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेफ हो जाता है, आपको सोचने के लिए भी टाइम मिल जाता है, और तो और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। जी हाँ, मैंने खुद ये बात एक्सपीरियंस किया कि भाई अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख के आता हूं तो मेरे उस पेपर में अच्छे मार्क्स आते हैं। तो भाई पॉइंट टू पॉइंट लिखो और अच्छे से डायग्राम्स वगैरह बना के, क्योंकि तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मेनली यही देखते हैं आपकी प्रेजेंटेशन क्वालिटी कैसी है। आप अगर आप एक्सटर्नल में अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, डायग्राम बना रहे हो टाइप्स के या कोई पर्टिकुलर ग्राफ्स वगैरह बना रहे हो, तो वो अच्छे से बनाना। तो और पॉइंट टू पॉइंट लिखना, ज्यादा आपको खर्च मारने की जरूरत नहीं है कि भाई ये भी लिख दे तो वो भी लिख दे, जो पूछा क्वेश्चन में सिर्फ वही लिखो। अगर आपने वो ठीक से लिख दिया ना भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप ये 5 things फॉलो कर लेते हो ना भाई, जो मैंने बताई है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता 7.5 CGPA मेंटेन करने से। बाकी आपके हाथ में, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 steps तो आप फॉलो कर ही लोगे। जो नहीं है वो भी ये 5 steps अगर फॉलो कर सकते हैं तो भाई कर लो, 7.5 CGPA इजिली मेंटेन हो जाएगी और आपको प्लेसमेंट में भी काफी हेल्प होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही यूजफुल कंटेंट आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, LPU से देखने को मिलने वाले हैं। और भी काफी यूनिवर्सिटीज में जाने का प्रोग्राम बना लिया मैंने, तो अच्छे अच्छे कैंपस व्लॉग्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सब कुछ आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा आपके कॉलेज से रिलेटेड, तो यार और क्या चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली किसी बढ़िया वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बूम।